बोहेमियन डॉक्टर पृथ्वीजीत देवनाथ फिर से हाजिर हूँ। मेरे चैनल में आपके स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज दिखाऊंगा। ऐसे तो हर बार थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने का कोशिश करता हूँ आपकी मनोरंजन के लिए। इस बार हम अरेबियन गल्फ रीजन को छोड़ के थोड़ा दूर जाते हैं। आज से बहुत साल पहले मेरा पहला फॉरेन टूर था, एक्सेप्ट फॉर वर्क जो था वो हांगकांग में था। तो हांगकांग में मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, मेरा बहुत पसंद का शहर है। तो इस बार मैं हांगकांग का ही कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा सा नॉर्मल टूरिस्ट एरिया से अलग है। ऐसे तो टूरिस्ट एरिया है लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट जनरल पॉपुलेशन थोड़ा कम जाते हैं। इंडियन टूरिस्ट तो बहुत ही कम। तो इसका नाम है 10,000 बुद्धास टेम्पल। ये टेम्पल जो है ये एक पहाड़ के ऊपर है और हांगकांग का मेन सिटी के एरिया से थोड़ा बाहर है, न्यूली डेवलप्ड एरिया में आता है ये। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। हांगकांग का भी कुछ सीनरीज में दिखाने का कोशिश किया। मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था कि उस टाइम मैं हांगकांग का कोई वीडियो नहीं लिया था। तो इस बार हम ऐसे करते हैं, जो पिक्चर्स बहुत लिए थे उसका एक कोलाज टाइप का बना के और मैं कुछ आपको बताऊंगा हांगकांग के बारे में, स्क्रीन में भी दे दूंगा। इससे आपको जानकारी भी मिलेगी और जगह का एक ब्यूटी आपको महसूस होगा। अभी हम दुबई मेट्रो से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। दुबई मेट्रो की कुछ झलक आपको दिखा देते हैं बीच में। ये पोर्शन शेख जायद रोड में दुबई मेट्रो मिट्टी के ऊपर से चलती है, फिर स्टेशन आ जाती है। देखिए कुछ स्टेशंस। स्टेशन से निकल के हम जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में डायरेक्टली मेट्रो जाती है। मेट्रो टर्मिनल के अंदर थाई एवरेस्ट के लिए हमें टर्मिनल 1 जाना है। उसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रेन भी हैं। वहाँ से अलग बिल्डिंग में जाके हम प्लेन के लिए इंतज़ार करेंगे। डिपार्चर एरिया में काफ़ी एंटरटेनमेंट की अरेंजमेंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत हर एक किस्म की सामान, लास्ट मोमेंट में ख़रीदारी, ड्यूटी फ्री शॉप्स, ये सब भी बहुत है। ये सब देखते देखते कुछ टाइम पास होती है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, थाई एयरवेज हमारा आखिरी। यहाँ से हमें बैंकॉक की कंट्री साइड जो है वहाँ का ग्रासलैंड्स बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा था, एग्रीकल्चरल लैंड्स। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट हम पहुँच गए कुछ घंटे बाद। बैंकॉक की सुवर्णभूमि एयरपोर्ट काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर भी है। अंदर जाते ही आपको एक डिफरेंस नज़र आएगी। एनीवे, ट्रांसफर सेक्शन से हम अगले चरण हांगकांग के लिए दूसरी प्लेन पकड़ के निकल पड़े। ये दृश्य भी काफ़ी सुनहरा था, तब तक दिन हो चुका था। नीचे चाइना सी के ऊपर मछुआड़े के बोट्स, प्लेन के काफी नीचे क्लाउड्स, चारों तरफ क्लाउड्स डिफरेंट लेयर्स की, एक अलग ही अंदाज दे रहा था। अल्टीमेटली देखते देखते हम पहुंच गए हांगकांग एयरपोर्ट जो कि समुंदर के बिल्कुल किनारे है। एक्साइटिंग। इंडियंस के लिए हांगकांग में वीजा की जरूरत नहीं है लेकिन प्री अराइवल ऑथोराइजेशन ऑनलाइन एक लेके आना पड़ता है। एनीवे, बाहर में सिम कार्ड वगैरह लेके टिकट खरीद के हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस में चढ़ गए जो कि डायरेक्टली हमें सिटी के अंदर में सेंट्रल स्टेशन लेके जाएंगे।
जाते वक्त चारों तरफ नीला आसमान, नीला समुंदर, टेक्नोलॉजी और नेचर देखते देखते पहुंच गए। हांगकांग एमटीआर काफी फेमस है, 12-13 लाइंस हैं, उससे हमारे होटल की तरफ उतर के होटल पहुंच गए। होटल है नीना एट कन्वेंशन सेंटर, बहुत ऊंचा बिल्डिंग है हांगकांग की, सबसे ऊंचा दो बिल्डिंग में से एक है शायद। हमारे रूम 57 फ्लोर में मिला, व्यूज बेहतरीन थे, लेकिन चढ़ते चढ़ते काफी टाइम लग जाता था। रात में सिटी के व्यूज, सुबह के व्यू और साइड में समुंदर के व्यूज दोनों मिल गए मुझे। आई वॉज लकी। अगले दिन सुबह उठ के कुछ जगह देख के मेरा जो प्लान था 10,000 बुद्धा देखने की तरफ हम चले गए। शाटीन स्टेशन, वहां उतर के सामने 10,000 बुद्धा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये देख के कभी हांगकांग गए तो 10,000 बुद्धा टेंपल देखने का इरादा आएगी। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा, शॉर्ट क्लाइंब है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद सचमुच दिल बहल जाता है। देखते 10,000 बुद्धा की जो टेंपल्स मॉनेस्ट्री है वो एक छोटी सी पहाड़ के ऊपर है। जब पहाड़ चढ़ने के लिए एक ऊंचा सीढ़ी है जो एकदम स्टीपली ऊपर चली जाती है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मीडियम डिफिकल्ट है, चढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप टायर्ड हो जाएंगे अगर फिट ना हो तो। ये 10,000 बुद्धा टेंपल जो है, ये टेंपल बहुत ट्रेडिशनल मॉन्क की टेंपल नहीं है, ये बनाया गया है रिसेंटली, लगभग 70-80 साल पहले इसको बनाया गया है। एंड ये एक्चुअल टेंपल तो नहीं है, यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट टीचिंग नहीं पढ़ाया जाता है, ये बेसिकली सेमी टूरिस्ट टाइप का एरिया है, लेकिन इनका देखभाल और जो पूजा पाठ जो होती है वो टेंपल के हिसाब से ही होती है। यहाँ पे बहुत सारे लॉर्ड बुद्धा की जो इमेजेस हैं, मूर्ति हैं, छोटे बड़े हर एक कद की, उसको सजाया गया है। ऊपर चढ़ने की रास्ता में दोनों तरफ से हर एक पोज में, हर बुद्धा का पोज अलग है, फेस अलग है, ये खासियत है यहाँ का। तो ये ऊपर चढ़ते चढ़ते आप तो हम तो बहुत थक जाते हैं, ऐसे 20 मिनट से आधा घंटा लगता है आपके फिटनेस के हिसाब से आप देखेंगे, लेकिन बहुत शार्प अपवर्ड्स चढ़ने का रास्ता है। ऊपर चढ़ के तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एक चताल टाइप का है, एक प्लेटो टाइप का एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बहुत ऊंचा पगोडा है जो बहुत स्लीम है, बहुत नैरो है, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। 7 फ्लोर का एक पगोडा है, एकदम सीधा ऊपर चढ़ गया, वो मिडल में है, चारों तरफ टेम्पल है, एक बड़ा टेम्पल है। ये पगोडा बीच में है, चारों तरफ जैसे मैंने बताया टेंपल में से एक मेन टेंपल है, बाकी उसका कॉरिडोर्स हैं, छोटे छोटे टेंपल, छोटे छोटे भगवान मतलब बुद्धा की स्टैचू वहाँ पे भी है। मिनिएचर्स बहुत है, टोटल 13,000 बुद्धा की स्टैचू है। हर एक किस्म की मिनिएचर बुद्धा स्टैचू, बड़े बड़े जो है वो दिखने में उतना अच्छा नहीं है, बहुत बड़े जो है उनका एक एक्शन फिगर होता है, मीडियम वाले को इतना चलता है, लेकिन छोटे वाले को खास करके बहुत अच्छा लगता है। बोधिसत्व, अमिताभ बुद्धा, ऐसे बुद्धा के काफी अवतार की फोटो है और उनके अगेंस्ट में जो होते थे जो ईविल फोर्स है उनका भी स्टैचूज बहुत है। जगह बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक शहर तक दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां से और थोड़ा ऊपर जाके एक छोटा सा ग्रेवियर्ड है और कुछ दूसरे जो बुद्ध भक्त थे, बोधि थे, सन्यासी थे, उनके रहने का जगह और प्रे करने का जगह है। तो हम दोनों जगह गए हैं, आपको भी दिखाएंगे।
ऊपर का जो चढ़ाई है वो थोड़ा कम है, और ऊपर में कुछ स्टोन, मतलब ग्रेवियर्ड की पोर्शन में स्टोन से बनी हुई एक एरिया है प्लेटो टाइप का, वहाँ पे लोग बैठ के अपना श्रद्धा जता सकते हैं। हमने किसी को देखा भी ऐसे। और बाकी पोर्शन जैसे गोल्डन होती है वैसे ही है। यहाँ पे सेंट लोगों की कुछ स्टैचूज थे, और बुद्ध के जैसे हर एक अवतार की, देव देवियों की। ये सब देखने में लगभग आपको आधा घंटा से एक घंटा लगेगा, फिर आएगी उतरने की बात। हेलो, तो फिर कैसा लगा? ऐसे जगह आप देखे थे कभी? जनरली हम तो कभी इंडियन यूट्यूब चैनल्स में ये जगह देखे नहीं थे, इसीलिए एक इरादा था दिखाने के लिए। तो देख के अगर आपको अच्छा लगा है, मन करता है, तो फिर कभी जब चाइना खुल जाएगा इंडियंस के लिए, वैसे तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप जब जाएंगे इसको देख के आने के लिए एक कोशिश तो कीजिए। बहुत ही कम टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे में आपको हो जाएगा, लेकिन एक खास, एक अलग से एक्सपीरियंस होगा। ऊपर का जो व्यू है बहुत अच्छा है, वहाँ पे सिटी का बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर सबको नहीं मिलेगी जो आपने देखा है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी आसपास नज़दीक में जो है वो दिखाने के लिए एक नया अंदाज से। बोहेमियन डॉक्टर पृथ्वीजीत देवनाथ से बाय। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे हांगकांग के और भी कुछ अच्छे जगह जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जनरली टूरिस्ट भी जाते हैं, कुछ जगह है जहां पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। सब मिला के हांगकांग जो कि एक परफेक्ट सिटी लगता है मुझे, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से मेनटेन किए हैं। मैं सोचता अगर मेरा सिटी भी ऐसा होता, दुनिया के सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर्स भी होंगे, सबसे ज्यादा भी होंगे, समुंदर भी होगा, पहाड़ भी होगा, ब्यूटीफुल नेचर, बारिश, सबकी एक आश्चर्य कॉम्बिनेशन हो, ये हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में।